सबसे पहले फोन के केस में इस होल का क्या काम है बताता हूँ। कभी कभी कोई गेम एक्टिविटी जैसे कि हाइकिंग या स्कीइंग करते टाइम हमारे फोन के गिरने का चांस होता है, इसलिए ये होल्स होते हैं ताकि आप इसमें स्ट्रैप लगाकर अपनी कमर में बांध सको, जिससे आपका फोन गिरने से बच जाए। नेक्स्ट, साल 2005 में तुर्की में एक भेड़ ने एक चट्टान की चोटी से छलांग लगा दी, पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था, क्योंकि जैसे ही पहले भेड़ ने छलांग लगाई उसके साथ साथ बाकी के 1500 भेड़ों ने भी छलांग लगा दी, और उस समय उसका सेफर्ड लंच पे गया हुआ था। नेक्स्ट, आपने दुनिया का सबसे छोटा इरेजर देखा है, यह है मोनो जीरो इरेजर, और इसे दुनिया का सबसे छोटा इरेजर माना जाता है। इसका सर्कमफेरेंस सिर्फ 2.3 मिलीमीटर है। नेक्स्ट, आपने हवा को देखा है, एक जर्मन साइंटिस्ट अगस्त टॉपलर ने 1864 में सिलिरन फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, जिससे किसी भी फ्लूइड की फोटो ली जा सकती है और इसी की मदद से हम हवा को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी एल्बो की स्किन को जितना जोर से दबा सकते हो दबाओ, आपको पेन फील नहीं होगा। एक्चुअली हमारे एल्बो में बहुत कम मात्रा में पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसीलिए दर्द नहीं होता। नेक्स्ट, ट्रेन के ऊपर लिखे इस 5 अंक के नंबर का क्या मतलब होता है बताता हूँ। इस 5 नंबर में से पहला 2 नंबर उस कोच के मैन्युफैक्चरिंग ईयर को डिनोट करता है, और लास्ट का 3 नंबर उस कोच की कैटेगरी को बताता है कि वह जनरल है, स्लीपर है या एसी कोच है। मतलब कि अगर किसी कोच के ऊपर 04052 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह कोच 2004 में बनी है, और 052 का मतलब है वह एक एसी कोच है। वैसे ही 337 का मतलब स्लीपर कोच होता है। नेक्स्ट, एक एटीएम मशीन के अंदर कितना पैसा होता है बताता हूँ। एक एटीएम में 4 कैसेट्स होते हैं जिसमें नोटों के बंडल रखे जाते हैं। एक कैसेट में 22 बंडल होते हैं और हर बंडल में 100 नोट होते हैं, तो अगर कैलकुलेट करें तो एक एटीएम मशीन के अंदर 88 लाख रुपए तक रखे जा सकते हैं, लेकिन चोरी की वजह से इतने रुपए नहीं रखे जाते। वहीं गांव के एटीएम में कम पैसे होते हैं और शहरों के एटीएम में ज्यादा पैसे होते हैं। नेक्स्ट, आज एप्पल कंप्यूटर के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बट आपने एप्पल का पहला कंप्यूटर देखा है? यह है एप्पल का पहला कंप्यूटर, और आज एप्पल का लेटेस्ट कंप्यूटर ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, महीनों के बारे में एक मजेदार फैक्ट है। अगस्त एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के बर्थडे जाते हैं, फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे कम लोगों के बर्थडे जाते हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा सीरियल किलर्स नवंबर के महीने में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट, 2009 की एक स्टडी के अनुसार आई वी हू टू और थ्री इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पुराना वर्ड है, जो लगभग 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। नेक्स्ट, अगर आप किसी ग्रुप में हो और आपको पता करना है कि कोई आपको घूर तो नहीं रहा, तो आप फे क्यों नहीं करो, और इस बहाने चारों तरफ देख लो, अगर कोई दूसरा आदमी भी योनिंग कर रहा है मतलब वो आपको घूर रहा था। नेक्स्ट, आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट में जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो हमें उसकी स्पीड कैसे पता चल जाती है? तो सुनो, एक रडार गन होती है जिसे स्पीड गन भी कहते हैं, यह किसी भी चलती चीज को ट्रैक करके उसकी स्पीड बता सकती है, और इसी की वजह से हमें बॉल की स्पीड पता चल जाती है। नेक्स्ट, अफ्रीका में एक सांप पाया जाता है, बूमस्लैंग स्नेक। यह सांप इतना खतरनाक होता है कि अगर यह आपको काट ले तो सिर्फ आपकी ब्लड क्लॉटिंग ही बंद नहीं होगी, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी होल्स हैं, जैसे कि नाक या कान और जो आप अभी सोच रहे हो वो भी, वो सारे होल से ब्लड बाहर निकलने लगेगा। नेक्स्ट, आपने स्कूल में रोमन नंबर्स तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा नंबर भी है जिसे आज तक रोमन में नहीं लिखा गया, और वो नंबर है 0। नेक्स्ट, इंग्लिश के ग्रेट राइटर और पोएट शेक्सपियर की डेथ उनके 52वें बर्थडे पर हुई थी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि 1616 में 23 अप्रैल के दिन ही उनकी मौत हुई थी। नेक्स्ट, आपने कैप्टन मार्वल मूवी तो देखी होगी, उसमें एक स्क्रल होता था जिसका खून हरा होता था, बट क्या आपको पता है कि एक इंसान के अंदर भी हरे रंग का ब्लड हो सकता है? एक बीमारी है जिसका नाम है सल्फीमोग्लोबिनेमिया। जिस इंसान को यह बीमारी होती है उसका खून हरा हो जाता है, और यह बीमारी ड्रग्स लेने से होती है। नेक्स्ट, आपका नाक कितना बड़ा है? एक्चुअली एक सर्वे में पता चला है कि आपका नाक आपके थंब के साइज के बराबर होता है, नाप के देखो। नेक्स्ट, प्लेन के विंडो में होल क्यों होता है बताता हूँ। प्लेन के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर घटने लगता है, और तब ये छोटा सा छेद अंदर और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट, जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन आपको $1 मिलियन देगा अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। मतलब कि अगर आपने प्रूव कर दिया कि भूत होता है, भगवान होता है, तो आपको ये पैसा मिलेगा। इस चैलेंज को सबसे पहले 1964 में दिया गया था, जिसके बाद लगभग 1000 लोगों ने ट्राई किया पर कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। फिर 2015 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया। अगर आप जानना चाहते हो कि धरती पर मौजूद सबसे पुरानी चीज कौन सी है, अंगूर को माइक्रोवेव में क्यों नहीं डालना चाहिए, और ताजमहल को बांस से क्यों ढक दिया गया था, तो क्लिक कीजिए इस वाले वीडियो पे।